चावल आ रहा है। इंदौर में अगर आप आए, इंदौर में गांजा मिलना आसान है, मैगी नहीं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग कॉलेज आ गए थे थोड़ा जल्दी, तो सुबह से ब्लॉग शूट कर नहीं पाए। तो आज क्या है, आज से मूनस्टोन जो कॉलेज का फेस्ट होता है ना, वो स्टार्ट होना है। तो अभी यहाँ पे एक मेडी स्क्वायर है, चर्च जो सामने देख पा रहे हो, तो वहाँ पे अभी डांस होगा। तो अभी अपन चलते हैं देखने। लंच टाइम हो चुका है, तो लंच तो अपन कर ही चुके। चलो चलो तो अब हम लोग घर आ गए हैं। तो क्या हुआ कि आज जो अभी आप वीडियो में डांस देखोगे, वो ये है कि आज से हमारे जो कॉलेज में फेस्ट होता है ना मूनस्टोन, उसका आज से मतलब प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट हो गई है। डेट वगैरह भी आ गई है, और शायद इस बार सुनने आ रहा है कि भाई दर्शन रावल आ रहा है भाई। और क्या है, कॉलेज को पूरे 25 साल हो चुके, तो आप सोच ही सकते हैं क्या ही फेस्ट होगा। तो फिलहाल आप आज तो बहुत मतलब कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि भाई मूनस्टोन की डेट भी आ गई है, हो सकता दर्शन रावल भी आए, तो भाई मजा आ जाएगा इस बार। A few hours later. तो क्या है भाई, रात के बज रहे हैं 2, तो अभी बस जस्ट थोड़ा पढ़ के उठे अपन। तो ऋषि भाई बना रहे हैं मैगी, भूख लगाई थी तो अभी जस्ट मैगी वैगी लेके अपन आए हैं। तो मस्त बन रही है मैगी, चलो देखते हैं क्या बन रहा है भैया किचन में। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं मस्त से अनोखी क्लास में, जहां हम बनाने जा रहे हैं आज काऊ। तुमसे ना हो पाएगा, नेवर माइंड, गाय का शुद्ध देसी घी की बनी हुई मैगी। जहाँ जानवरों की तरह प्याज खाते हैं, ये कुछ पैकेट है, कुछ नहीं मतलब बहुत ज्यादा पैकेट है,
जानवरों के तरह बनाया जाएगा और जानवरों के तरह खाया जाएगा, जहाँ इंसान नहीं जानवर पाए जाते। तो ये डाली मैगी, सॉरी क्या डाला, घी, काऊ घी, काऊ प्योर घी, काऊ प्योर घी जो हमने मंगाया था गांव से, क्योंकि तेल हमारे पास है नहीं। ओके, देखिए ये डाला है तेल। तो आप उसको हमारी अमीरी समझे या सब हमारी गरीबी समझे, हम माइंड नहीं करते, हम खुद नहीं जानते हम अमीरी कर रहे खा के गरीबी हमारी। तो फिलहाल कितने बज रहे, 2 बज रहे होंगे ना? हाँ तो भाई रात के बज रहे हैं 2, और हम लोगों को मैगी खाने का मन हुआ तो जस्ट हम लोग बस गए, थोड़ा बड़ा मैगी ढूंढी तो अपन को कुछ पैकेट मिल गए तो लेके चले आए। इंदौर में अगर आप आए, इंदौर में गांजा मिलना आसान है, मैगी नहीं। सही बात है भाई, रात में 2 बजे अभी हम लोग मैगी ढूंढ रहे थे तो 2 लड़के आके हमसे बोलते, सर क्या आपको गांजा चाहिए? हमने कहा आपको हम गांजा पीने वाले लग रहे हैं, का मैगी चाहिए। तो फिर उन्हीं ने हमें मैगी की शॉप बताई, वो बात अलग है, इधर आपको मैगी मिलेगी जहाँ चाहे वहाँ रहा है ऐसा। गांजा मिलना बहुत आसान है, 2 दुकान पे जाओगे 30 रुपए मिल जाएगा, मैगी 30 दुकान पे जाओगे 30 में से 1 पे मिलेगी, तो किस्मत अच्छी है टाइम से पहुंच के मिल गई भाई। तो बढ़िया, पहले टमाटर फिर प्याज, क्योंकि प्याज अगर हल्की कच्ची हो ना मैगी में अलग स्वाद होता है उसमें खाने में। ओके भाई, तो चलो अपन मास्टर शेफ की क्लास में आज क्या सीखे हैं कि मैगी में हल्की सी प्याज कच्ची होनी चाहिए। और अगर मैगी अगर शुद्ध घी की बने चाट चाट के खानी चाहिए, बिल्कुल फेंकनी नहीं चाहिए, मतलब पानी भी चाट लो भाई। तो भैया ये आ गई हमारी मैगी बन के, ऋषि भाई खाने बैठ गए हैं, ये लग गई हमारी मूवी फुटबॉल है मस्त। तो अपन अब देखेंगे और मस्त खाएंगे।